नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चले दे इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विपक्ष की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बना सकता है, जहां विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस रिपोर्ट के बाद अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र पर CBI और ED के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था और इस मामले को लेकर गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने की भी मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में है, कोर्ट में नहीं है। अगर कोर्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइंस जारी करता है तो ये खतरनाक है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को कड़ा संदेश दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर अगर सामान्य गाइडलाइंस को ये कोर्ट तथ्यों के अभाव के आधार पर सामान्य गाइडलाइंस को जारी करता है तो ये खतरनाक होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षियों को कही है। राजनेताओं के लिए अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बातें हैं। जहां विपक्ष का महत्व कम हो इसका इलाज राजनीति में है, कोर्ट में नहीं है। कोर्ट ने इस तरीके के बयान विपक्षी पार्टियों को दी हैं। बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें विपक्षी पार्टियों को कही गई हैं। कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइंस जारी करना खतरनाक है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आंकड़ों से तय होगा ये मुकदमा हो या जांच की जाए। राजनीतिक पार्टियों का नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी का नेता एक मूल रूप से बड़ा नागरिक होता है और नागरिक के लिए एक ही कानून होता है। बात करें कि विपक्ष पार्टियों की, तो विपक्ष पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मांगे की थी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइंस की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विपक्ष पार्टियों ने नई गाइडलाइंस की मांग की थी जिसके बाद गिरफ्तारी, रिमांड के लिए CBI और ED अधिकारी ट्रिपल टेस्ट करें। इसको लेकर भी ये मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जहां गंभीर शारीरिक हिंसा को छोड़कर बाकी सभी अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई थी। बता दें कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की गई थी, तय शर्तों का पालन न करने पर आरोपियों को कुछ घंटे की पूछताछ या हाउस अरेस्ट की भी इजाजत की मांग सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी पार्टियों ने की थी, जहां पर जमानत और एक अपवाद वाले सिद्धांत का पालन करने के लिए कोर्ट, ईडी और CBI के केसों में भी इसका पालन करे, ऐसी भी मांग विपक्षी नेताओं की तरफ से इस याचिका में की गई थी। इस दौरान ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया और वहां पर जमानत से इनकार किया जाए, इस तरीके की विपक्ष की मांग की गई थी, जहां उन्होंने कहा कि जहां पर ट्रिपल टेस्ट की मांग की जाए, तो वहीं उन्होंने कहा इस विपक्षी पार्टियों को अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने इस दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा, जहां CBI और ED के मनमाने इस्तेमाल को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। जी, बता दें कि 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों को ये बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी याचिका वापस ले ली। तो बेटे में बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी की। बता दें कि रामनवमी के दिन देश के कई शहरों में हिंसा, हंगामा और बवाल देखने को मिला था। हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी रामनवमी जैसी हिंसा ना भड़के, लिहाजा केंद्र सरकार इसको लेकर एक्टिव हो गई है।
हनुमान जन्मोत्सव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और माहौल बिगाड़ने वालों की निगरानी करने को कहा गया है। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर दिल्ली समेत तमाम राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने हनुमान जन्मोत्सव से पहले जहांगीरपुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहां तैनात किया गया। बता दें कि पिछले साल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर देश के कई राज्यों में हिंसा हुई थी, हंगामा और बवाल भी देखने को मिला था, लिहाजा इस बार सरकार पुख्ता तैयारी करती नजर आ रही है। जैसे कि रामनवमी पे भी देश के कई शहरों में हिंसा और हंगामा और बवाल देखने को मिला था, इसको लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है। तो रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर और आने वाले हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को कई सवाल किए हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में जो हिंसा भड़की थी, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, लेकिन अब इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल पूछे हैं कि क्या हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी तैयारियों के कैसे पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने ममता सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हनुमान जन्मोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इलाके में धारा 144 लगाई जाती है तो फिर उन इलाकों में किसी भी कीमत में जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी जगहों पर कानून व्यवस्था संभालने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए। बता दें कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिले में हिंसा हुई थी। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी हिंसा को लेकर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कई सवाल किए हैं। इस दौरान उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल पूछे हैं और रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर भी कई सवाल ममता सरकार से किए हैं। तो रामनवमी पे बिहार में हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, जिसको लेकर अब कई राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में हुई हिंसा को लेकर बयान दिया था और अब तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई हिंसा को लेकर बयान दिया है। वहीं रामनवमी के दिन बिहार में हुई हिंसा भड़की थी, जहाँ सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में पथराव और आगजनी देखने को मिली थी। हिंसा की आग पर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने यह तक कह दिया कि बिहार में रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे दो लोगों का हाथ है। इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी का एजेंट बताते हुए बिहार को बदनाम करने का आरोप उन पर लगाया। उन्होंने इसके अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है, पहले तमिलनाडु से लड़ने की कोशिश की गई, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली तो दंगे कराए जा रहे हैं। बता दें कि बिहार में पुलिस ने बिहार शरीफ और नालंदा हिंसा को लेकर सोमवार तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले शनिवार और रविवार को झड़पों के बाद दोनों जिले में इंटरनेट सेवाएं बैन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 26 से ज्यादा कंपनियां तैनात कर दी गई थी और अब हिंसा के बाद सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, जिसके बाद इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया और अब तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। 118 जगह जो शोभा यात्रा और जुलूस जो है निकाली गई, हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा जो है निकाली गई। दो जगह खासतौर पर सासाराम बिहार शरीफ, वहाँ दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, उसको देखते हुए प्रशासन
जो है कार्रवाई कर रही है और लोगों को चिन्हित करके उसी हिसाब से कठोर कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों लोगों को धर पकड़ा भी गया है जो लोग इस दंगा में जो लोग शामिल थे, और आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को नहीं मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता रहे या ना रहे लेकिन अमन चैन सद्भाव जो है वो कायम रहेगा, चाहे जो कुछ करना पड़े हम लोग सब लोग करेंगे। और काम किया बहुत अच्छे ढंग से, सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में है लेकिन जरा दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? तो वो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की, जिनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं नजर आ रही हैं। सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया पर दोहरा शिकंजा कस दिया है। अब शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया। बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केस दर्ज किया था उसमें मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है और ना ही मनीष सिसोदिया या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया आया है। ईडी ने मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। उनके पैतृक गांव में भी ईडी की टीम पहुंची थी लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला। वहीं ईडी ने तर्क दिया कि जब एलजी ने इस मामले की शिकायत की तब मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, जिसके बाद एजेंसी ने उनका मोबाइल डेटा दोबारा निकाल लिया है। एजेंसी सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल से निकाले गए डाटा का एनालिसिस कर रही है, लिहाजा ईडी को सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं, जिसके बाद कोर्ट ने 17 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो देश में 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ कई राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। पिछले वर्ष
दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ किया जनता और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कसम भी बढ़ाई एक लोकतंत्र की कसम निकलने के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की उससे तो स्थगित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सजे गई है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन सैनिकों की वीरता पर प्रमाण जाता है जिस कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया है कि हमारी सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी देशभर में प्रदर्शन कर रही है और लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदाहरण देते हुए राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इसका सियासी संरचना की उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है और इसके पीछे क्या कुछ षड्यंत्र रचा गया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था
ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी स्टार न्यूज़।